In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful. Good morning. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying the winter vacation at home. You know, teacher is really missing you. I know you are also missing to the teacher as well as the school. So don't worry. Inshallah, we will meet again by the grace of Allah. La 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 la. Surprise! Today I bring a surprise for you people. और वो surprise क्या है? वो surprise है quiz competition. What do you mean by the quiz competition? Yes, it is a competition जिसमें teacher बच्चों से general knowledge के question raise करेंगी और जो बच्चे सभी इन question को learn करेंगे वही तो quiz competition में participate करेंगे. Wow! टीचर को मी मी की आवाजें सुनाई दे रही हैं. लगता है सब बच्चे विलिंग हैं क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना? और बच्चों, आपको पता है ना कि जो टीम विन करेगी इस क्विज कंपटीशन में उसको स्कूल की तरफ से बहुत कलरफुल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. उसके साथ साथ टीचर भी अपने बच्चों के लिए यमी यमी चॉकलेट्स लेके आएंगी. वाओ 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 वाओ. ओके माय लिटिल चैंपियन, व्हाट यू पीपल डू, एवरी वीक टीचर विल कम विद सम न्यू क्वेश्चंस एंड व्हाट यू पीपल डू, यू विल लर्न दोस क्वेश्चन बाय हार्ट. ओके बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है और पता है कि जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई इसमें चांद सितारे बनाए, फल फूल लगाए, दिनों रात बनाए, दरिया समुंदर चैन प्रेम सबको बना लिया, तो इन सबको बनाने के बाद भी अल्लाह ताला को ये दुनिया नामुकम्मल लगी, तो फिर उन्होंने उस दुनिया को कंप्लीट करने के लिए इंसानों में सबसे पहले एक प्रॉफिट को भेजा जिनका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो दुनिया में सबसे पहले तशरीफ़ लाने वाले प्रॉफिट हैं, इसीलिए उनको तमाम बनी नौ इंसानों के फादर कहा जाता है. ओके किड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे फर्स्ट प्रॉफिट हैं, इसी तरह से हमारे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है जो कि हमारे आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई भी नबी तशरीफ नहीं लाएंगे. इसलिए हम सबको चाहिए कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम मुबारक लें बोलें तो उनके साथ हम दुरूद शरीफ भी पढ़ें. ओके चिल्ड्रन, लेट मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज कंपटीशन. नाउ टेल मी, हु इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? Who is the first prophet of Allah? सब जल्दी से बता दें. I know कि सबको आंसर आता है. Yes, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम is the first prophet of Allah. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम is the first prophet of Allah. माशाल्लाह, मुझे पता था सबको इसका आंसर आता है. Okay, let's move towards the question. The question is, who is the last prophet of Allah? Who is
द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। ओके माई लिटिल चैम्पियन, अब मुझे जल्दी से कौन बताएगा कि किस किस को अपने दादा अबू से बहुत प्यार है? लगता है सबको अपने दादा अबू से बहुत प्यार है। और आपको पता है टीचर को भी अपने दादा अबू से बहुत प्यार है। आपको पता है कि जब दादा अबू जब पास होते हैं तो आप लोग दादा अबू को दबाते हैं? कौन कौन दबाता है दादा अबू को? दादा अबू को कौन कौन पानी पिलाता है? लगता है सब दादा अबू को पानी पिलाते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है इन रिस्पॉन्स दादा अबू फिर क्या करते हैं? दादा अबू सब बच्चों को ढेरों दुआएं देते हैं और दुआओं के साथ साथ यमी यमी चॉकलेट्स भी लेके देते हैं। देते हैं ना? गुड। और आपको ये पता है कि दादा अबू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Yes, दादा अबू को इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर बोलते हैं। और जैसा कि हमारे दादा अबू हैं, इसी तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के भी दादा अबू थे और वो अपने दादा अबू से मींस ग्रैंडफादर से बहुत प्यार करते थे। और आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दादा अबू का क्या नाम है? मुझे लगता है बहुत से बच्चों को पता है। चलिए आज मैं बताती हूँ आपको। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के ग्रैंडफादर का नाम हजरत अब्दुल मुतलिब है। क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुतलिब। ओके किड्स, गेट रेडी फॉर द अदर क्वेश्चन। टीचर इज गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स ग्रैंडफादर? व्हाट इज द नेम ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स ग्रैंडफादर? यस, हिज नेम इज हजरत अब्दुल मुतलिब। हिज नेम इज हजरत अब्दुल मुतलिब। अली टू बेड, अली टू राइज, अली टू बेड, अली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज, मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। ओके खीर से मुझे कौन बताएगा कि सुबह सवेरे कौन उठता है? लगता है कोई भी नहीं उठता। क्यों उठते हैं? ओके, कुछ बच्चे तो बहुत सुबह सवेरे उठते हैं। और कब सुबह सवेरे उठते हैं? जब सूरज निकलता है तो बच्चे भी उठ जाते हैं। आपको पता है सूरज भी सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है। और उसका घर किधर है? उसका घर ईस्ट में है। किधर है उसका घर? ईस्ट में। और वो कहाँ से तलू होता है? वो कहाँ से राइस होता है? वो ईस्ट से राइस होता है। चले, आज आपने क्या करना है? आज आपने जल्दी जल्दी सो जाना है और फिर सुबह उठ के मामा से कहना है आपको जल्दी उठाएं। और सुबह उठ के आपने सन को देखना है और देखना है कि वो किस डायरेक्शन से राइस हो रहा है, ईस्ट से या वेस्ट से। Yes, sun always rises in the east. Okay, kids, let's move towards the question. In which direction does the sun rises? In which direction does the sun rises? Yes, the sun rises in the east. The sun rises in the east. I hope you learn all the question. Thank you. See you. See you for the next session. Bye.